हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक से रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो को यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को मिलते रहेंगे। आज के दिन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो, 4 वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। जो लेटेस्ट वीडियो है जहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने एक पेनी स्टॉक है 11 रुपए के आसपास है, वहाँ पे 28 लाख से ज़्यादा शेयर खरीदे हुए हैं, क्या हम लोगों ने उस शेयर में एंट्री करना चाहिए, ये एक जेन्युइन वीडियो बनाया है। TCS का भी वीडियो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उसी के साथ साथ और 2 वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। सो सारे लिंक की वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। सो दोस्तों, बात यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले शुरुआत बजाज फाइनेंस से रिलेटेड। यहाँ पे बहुत सारे एजेंसीज एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बजाज फाइनेंस के Q1 के रिजल्ट अभी अच्छे आ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कल के दिन की, तो एक दिन में वापस हम लोग को बजाज फाइनेंस में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। लगभग ये स्टॉक हम लोग को 3,200 से नीचे जाते हुए देखने को मिला था। आप लोग यहाँ पे प्राइस देख सकते हो, 8 जुलाई की तारीख है, एंड आज के दिन 9 जुलाई को वापस ये कंपनी ने लगभग 4% के आसपास का कमबैक दिखा दिया है। सो यही वजह थी कि बता रहे कि इनके रिजल्ट अच्छे आ सकते, जिस टाइप का इन्होंने ट्रेलर दिया उसी के बदौलत ये जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। सो रिजल्ट अच्छे आए या फिर ना भी आए, ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी आप सभी लोग पता है, जो कि आगे ज़रूर सर्वाइव करेगी, इसीलिए हम लोगों ने उन स्टॉक में बने रहना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे FL इंडिया। आप सभी लोगों को पता है बहुत ही शानदार स्टॉक है, 1000 के नीचे हम लोगों ने खरीदा है, सिर्फ 1 से 2 इंस्टॉलमेंट ही लग गई, आगे की इंस्टॉलमेंट में हम लोगों को ये स्टॉक नहीं मिला। अभी भी ये बहुत आगे जा रहा है और आगे जाने की पूरी कोशिश इसमें हो सकती है, जिस टाइप का ये स्टॉक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो ज़रूर मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा, आप चाहते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, चाहे तो पार्शल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। कंपनी है बहुत बढ़िया, इतना तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं। अगर ये नीचे भी आ जाता है तो ज़रूर हम लोगों को इसको वापस यहाँ पे खरीदना है। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, हर रोज़ ये कंपनी नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है, एंड आज भी आप लोग देख सकते हो 1826 के यहाँ पे हम लोग को परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी है बहुत ही शानदार, एंड वापस कहना चाहता हूँ कि ये कंपनी और भी आगे जाने की यहाँ पे कोशिश कर सकती है। 2000 के टारगेट बहुत सारे दिग्गज ब्रोकर्स ने यहाँ पे बताए हैं, एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि अगर इसमें 10 से 15% का करेक्शन आ जाता है तो आप लोगों ने खरीद लेना चाहिए। अभी ये तो पूरी कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है कि अगर करेक्शन हो जाते तो हम लोग ज़रूर खरीदेंगे, बट यहाँ पर चांसेस बहुत कम है। अगर कुछ एक्सटर्नली इश्यूज़ हो जाते तो ही इस शेयर में हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी ये स्टॉक 800 के करीब इसीलिए आया था क्योंकि एक्सटर्नली प्रेशर था, कंपनी में इंटरनल कोई इशू नहीं था, एंड वो एक प्रॉब्लम थी जो सबसे बड़ा डेंट था डेप्ट से रिलेटेड, वो भी हम लोगों को अभी जाते हुए देखने को मिल चुका है। सो अभी नीचे आने की चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, एंड अगर वो आ भी जाता है तो इतना ही बोल सकता है कि अगर अमेरिकन बाज़ार में कुछ हो गया, हमारे मार्केट में और कुछ ऐसा हो गया, कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ आ गई नेगेटिव, तो पूरा मार्केट गिर जाता है तो ही ये पॉसिबल है, वरना नॉर्मल मार्केट में अभी ये बहुत ही हाईली इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। ITC की बात करें तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ITC से रिलेटेड हम लोग को एक जंप देखने को मिली है, एंड इसके पीछे की एक छोटी सी वजह है, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ITC के Q1 के नंबर्स, यस दोस्तों मैं Q4 के नहीं Q1 के नंबर्स बता रहा हूँ, कि अच्छे आने की उम्मीदें यहाँ पे बताई जा रही है। हालांकि ये सब प्रेडिक्शन है, एक्सपेक्टेशन से, हकीकत में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट ये इस छोटी सी न्यूज़ के कारण भी हम लोग को एक छोटा सा जंप देखने को मिल रहा है। स्टॉक बुरा नहीं है बट ये बहुत ही धीमा चलता है, ये भी आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। SBI कार्ड की अगर मैं बात करूं तो यस, स्टॉक तो है बहुत ही शानदार, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि SBI कार्ड में हम लोगों ने बाय करना चाहिए। मैं अभी भी यही कहना चाहूँगा कि कंपनी के Q4 के नंबर्स अच्छे नहीं थे, Q1 के नंबर्स के ऊपर इनका सारा खेल टिका हुआ है कि कैसे रहेंगे, एंड अगर हम लोग बात करें तो अभी तो वो 700 के आसपास इसलिए आया था क्योंकि इसको इंडाइसेस 5 इंडाइसेस में जगह मिल चुकी थी, एंड इसी के कारण ये बहुत ही पॉजिटिविटी वाली बात है, क्योंकि किसी भी स्टॉक को इंडेक्स में जगह मिलना, इंडेक्सेस में जगह मिलना, ये एक बहुत ही रेपुटेशन वाली बात होती है। ये भी बताती है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और आगे भी वो परफॉर्मेंस दे सकती है, तो इसी के कारण हम लोग को वो रैली देखने को मिली थी। कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा इसके ऊपर हम लोगों का निवेश होना चाहिए, जो कि Q1 के नंबर्स यहाँ पे बता देंगे, तब तक हम लोगों ने इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप चाहो तो एंटर कर सकते हो या फिर एग्जिट भी ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात यहाँ पे करेंगे बिरला टायर से रिलेटेड। रोज मुझे डेली बेसिस के ऊपर 50 से ज़्यादा कमेंट्स तो बिरला टायर्स के ऊपर ही रहते हैं कि कैसे एग्जिट करें, तो मैं भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कोई ऑप्शन है ही नहीं, लोअर सर्किट लग रहा है। आप ऐसे स्टॉक में निवेश करते हो जहाँ पे अपर सर्किट, एंड वो जब ओपन हो जाता है, मतलब जब वहाँ पे ऑपरेटर एग्जिट कर लेते तो वो आप लोगों को हाई लेवल पे मिल जाता है, एंड बाद में आप लोग अटक जाते हो। तो इतना ही कहना चाहूँगा, अभी तो आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर सेल ऑर्डर लगा देना चाहिए, AMO में सेल ऑर्डर लगा के छोड़ देना चाहिए। अगर लक रहेगा, किस्मत रहेगी, तो आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब बेच सकते हो, वरना ये जब भी
आप लोगों को तभी ये एग्जिट हो पाओगे जब वापस ऑपरेटर इसमें रैली लेके आ जाए। तो इतना कहना चाहूँगा बिरला टायर को अवॉइड करना ही, आगे भी मैं बता चुका ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स रहते हैं जो कि हर वक्त रिटेल निवेशकों को लूटते रहते हैं, उसमें ये भी स्टॉक हम लोग को देखने को फिलहाल मिल रहा है। TCS की बात करें तो डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, नोटिफिकेशन का इशू हुआ है इसीलिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि TCS की क्वार्टर वन के रिजल्ट के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाए, वीडियो बना चुका हूँ, ऊपर आई बटन पे आप लोग देख सकते हो। ये भी बताना चाहता हूँ रिजल्ट ऑलरेडी पता था कि इतना खास नहीं आएगा, क्या एस्टिमेट को बीट किया है बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, अभी इतना रिजल्ट हम लोग को डाउन मिला तो एस्टिमेट कहाँ से बीट हो जाएगा। आप चाहो तो ये गूगल करके भी देख लोगे तो आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो मिस स्ट्रीट एस्टिमेट। यस, यहाँ पे TCS के रिजल्ट हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिले, स्लिप प्रॉफिट स्लिप होते हुए देखने को मिला है, ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं थी, वो गिरने वाला था, बट यहाँ पे हम लोग को जो एस्टिमेट थे वो भी हम लोगों को क्या होते हुए देखने को मिल रहे, मिस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, वरना कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिग्गज कंपनी है, और अगर ये TCS भी होगा तो बाकी भी IT सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके साथ सेम ही होने वाला है, एंड बाकी सेक्टर के भी स्टॉक के साथ सेम ही हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। तो वापस और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि 500% आपने कैसे बोल दिया, ये तो 0.5% होता है 5 रुपया मतलब, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, फेस वैल्यू के ऊपर अगर आप फाइनेंस में एंटर कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो डिविडेंड होता है वो हम लोगों को हमेशा कंपनी की जो फेस वैल्यू रहती है उसके ऊपर मिलता है, ना कि उसके प्राइस के ऊपर। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी चाहिए, इससे रिलेटेड भी मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया था डिविडेंड का, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको ज़रूर चेक कर लेना, वरना आप लोग भी यहाँ पे गलत फहमी में रह जाओगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वोडाफोन आइडिया नेक्स्ट स्टॉक से रिलेटेड, जो बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, मैं यही कहना चाहूँगा यहाँ पे अगर आप कोशिश कर रहे तो एक बहुत बड़ा तुक्का यहाँ पे अगर आपका लग गया तो लग गया, वरना आपका पैसा डूब सकता है। सो ये रोज़ रोज़ बताने का मकसद यही है कि रोज़ रोज़ आप लोग सेम सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ प्लीज़ यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट मत फंसा लेना, कल ये 20 हो गया तो 30 हो गया तो मौका छूट जाएगा, चल जाएगा, किसी को पता ही नहीं है ये 20 जाएगा 30 जाएगा, किसी को ये भी नहीं पता है कि कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए दोस्तों। वापस कह रहा हूँ बहुत ही संभल कर आप लोगों ने काम करना चाहिए, वरना बिरला आप लोगों ने देख लिया, बिरला टायर के साथ क्या हुआ, रुचि सोया के क्या साथ क्या हुआ, आलोक इंडस्ट्रीज़ के साथ क्या हुआ, वो बढ़ता है तभी हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, अरे भाग गया फालतू में किसी का सुन लिया, जब वो गिरता है ना तब समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। तो यही कहना चाहता हूँ ऐसे किस्मत के सहारे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, एंड वो बन भी जाता है तो टेम्पररी सोर्स के लिए, फ्यूचर रिटेल बहुत सारे लोग इसी से रिलेटेड भी पूछ रहे थे। वापस मैं कह रहा हूँ कंपनी जब तक अच्छी नहीं लगती नहीं गिरना चाहिए उसमें, मतलब पढ़ना ही नहीं चाहिए, जब कंपनी अच्छी लगे आप लोग बिंदास बाय कर सकते हो, कोई न्यूज़ आ जाती है रिलायंस खरीदेगा, ये सारी चीज़ें चलती रहती है, उसके बदौलत ऑपरेटर को पता होता है कि रिटेल निवेशक कहाँ पे आएंगे तो वो बराबर वहाँ पे पकड़ लेते हैं। आप देख सकते हो पहले स्टॉक में कभी ऐसे अपर सर्किट लोअर सर्किट इतना नहीं देखने को मिलता था जितना अभी देखने को मिल रहा है। तो यही कहना चाहता हूँ ऐसे स्टॉक से आप लोगों ने दूर रहना चाहिए, जो बोलते हैं ना एक किस्मत के सारे पैसे बनाना, ये बहुत ही मतलब एक गलत वे रहता है, अगर उसमें बन भी जाता है तो वो आगे जाके आप लोगों को लॉस ज़रूर कराएगा। तो यही कहना चाहता हूँ यहाँ पे अगर आप फंस भी गए हो तो एक ही ऑप्शन है, आप लोगों को डेली सेल करना पड़ेगा तो ही आप लोगों की बात बन पाएगी। और एक यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक सुजलॉन एनर्जी, सेम वे 100-200 कमेंट्स आ जाते हैं। तो वापस कहना चाहूँगा ऐसे शेयर्स में नहीं गिरना चाहिए, अगर आपको लगाना ही है किस्मत के साथ 100-200 रुपया लगा दो, 500 रुपया लगा दो मैक्स टू मैक्स, और उसके बाद अगर पैसा बनता है तो ठीक है, वरना लॉस भी हो जाएगा तो आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं होगी, ये बात आप लोगों ने तय करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे येस बैंक, येस बैंक से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। वापस कहना चाहता हूँ न्यूज़ अच्छी है, इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक अच्छा हो गया, यहाँ पे निवेश कर ले टेम्पररी स्केल के लिए, वो शेयर जंप कर सकता है 10-20% भाग सकता है, बट यहाँ पे ऐसा स्टंट हम लोगों ने नहीं करना है। इससे पहले भी मैं ये बता चुका हूँ बहुत सारे लोगों ने बीच में 50 रुपये तक भी ये स्टॉक गया था तभी भी खरीद लिया था, एंड बाद में आप देख सकते हो ये स्टॉक वहाँ से आधा हो चुका है एंड वो यहाँ पे फंस चुके हैं। जो पुराने शेयर होल्डर है वो तो 3 साल के लॉक इन में भी यहाँ पे फंस चुके हैं एंड उसके बाद अभी वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे नया IPO हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, रोजरी बायोटेक IPO, मतलब इसका IPO आने वाला है, ये केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, आप सभी लोगों को पता है, इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, मंडे से हम लोगों को ये सारी चीज़ें ओपन होते हुए देखने को मिलने वाली है। स्मॉल कैप कंपनी है एंड अगर मैं फिलहाल बात करूँ ग्रे मार्केट की, डब्बा मार्केट में, वहाँ पे ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, बट स्टिल मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि फिलहाल की मार्केट कंडीशन देख के ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। डिटेल वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर कि आप लोगों ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट इतना कह सकता हूँ कि ये IPO यहाँ पे आ चुका है जो कि
पेंडेमिक के बाद का सबसे पहला आईपीओ होने वाला है। सो इसका रिस्पॉन्स कैसे रहेगा, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें रहने वाली है। अगर ये आईपीओ सक्सेसफुल हो जाता है, अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, तो एक अच्छा खासा एग्जाम्पल जरूर सेट करेगा बाकी दूसरे कंपनी को आईपीओ लाने से रिलेटेड। आरवीएनएल की अगर मैं बात करूँ तो यही कहना चाहूँगा, सस्ते में बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। अभी भी मैं ये इतना ही कहूँगा कि अगर 20 रुपये में अगर कोई सस्ते में अच्छा स्टॉक मिलता है तो आरवीएनएल ज़रूर साबित हो सकता है। ये बाकी पेनी स्टॉक से, बाकी सस्ते मिलने में स्टॉक से ये काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा है, बट इसमें आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। फिलहाल मार्केट कैसा है आप सभी लोगों को बताएं, तो गिरावट भी अगर आगे आ जाती है तो आप लोग चाहो तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, बट छोटा सा ही अमाउंट आप लोगों ने लगाना है। कल बहुत बड़ा दिन है IRCTC के लिए, आप सभी लोगों को पता है कि इनके कल Q4 के नंबर्स देखने को मिलने वाले, दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। रिजल्ट कैसे आ सकते हैं इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो अभी अभी आप लोगों को पोस्ट करके बता दिया कि यूजुअली कंपनी की ईबीआईटी का मार्जिन, रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो, सारा का सारा यहाँ पे डाउन का एस्टिमेशन बताया है। एक्चुअल में क्या हो जाएगा ये तो कल का दिन ही बताएगा, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है, दिक्कतें देखने को मिली है, एंड उसी के साथ दो कंपनियाँ जुड़ती है असेट मैनेजमेंट की, एक है HDFC AMC एंड दूसरी है निपॉन लाइफ। दोनों में हम लोगों को 2.62% एंड अगर हम लोग निपॉन की भी बात करें तो सेम 2.92% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं क्या हम लोग एग्जिट करें। सो दोस्तों मैं तो एटलीस्ट एग्जिट यहाँ पे नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। Q1 का रिजल्ट, Q2 का रिजल्ट, ये जो नंबर्स है वो बहुत ही हम लोगों को ये झेलना है, बट ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, तो ज़रूर इस पैंडेमिक से ये कंपनियाँ आसानी से आगे जाके मूव ऑन कर पाएगी। तो मैं तो ज़रूर होल्ड करूँगा, ऐसी तो हर चीज़ में अगर आप लोग देखे जाए तो एग्जिट करना पड़ेगा। बीच में रिलायंस 800 तक आया था तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे एग्जिट करें। TCS में अभी रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग पूछ रहे एग्जिट करें। HDFC बैंक बीच में नीचे आया था 1000 के नीचे, लोग पूछ रहे थे एग्जिट करें। HDFC लिमिटेड नीचे आया था, लोग पूछ रहे थे क्या एग्जिट करें। इंफोसिस में प्रॉब्लम देखने को मिली थी टेम्पररी बेस के लिए, लोग पूछ रहे थे एग्जिट करें। मतलब आप समझ रहे हो ये टॉप 5 कंपनीज है, इसमें लोग पूछ रहे एग्जिट करें क्या। तो हर वक्त ऐसा एग्जिट नहीं करना होता है, स्टॉक मार्केट में हो, लंबी अवधि का पारी खेल रहे हो, तो ये हर किसी के लाइफ में ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपके लाइफ में भी कभी तो ऐसा रहेगा कि आप लोगों को लगा होगा कि सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, और ऐसा भी क्षण आया होगा कि लगता था कि इतने प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में, तो ये सारा खेल है, ये चलता ही रहेगा। तो इतना ही बताना चाहता हूँ, निपॉन लाइफ एंड HDFC AMC ये दोनों बढ़िया फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी है, मैं तो एटलीस्ट इसमें होल्ड करना पसंद करूँगा, बाकी सारा डिसीजन मैं हमेशा आप ही के ऊपर छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज शानदार रैली यहाँ पे देखने को मिली है। इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। जो लोग पूछ रहे थे कि PSU बैंक के आप अगेंस्ट बोलते हो, यस मैं अगेंस्ट ही रहूँगा, वहाँ पे गुड गवर्नेंस नज़र नहीं आता, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक ही स्टॉक ऐसा है जो कि आप लोग वहाँ पे होल्ड रख सकते हो। बट कोई पूछता है कि SBI को अगर क्या हम लोग प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करें, तो मैं ज़रूर कहूँगा यस आप HDFC के लिए जा सकते हो रैदर देन SBI के लिए, क्योंकि वहाँ पे मिलने वाले रिटर्न्स ये कंपेरेटिवली ज़्यादा रहते हैं। सो देख सकते हो जितने भी फटाफट स्टॉक थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया और आपके सवालों का जवाब भी यहाँ पे दे दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, एंड आज के जो बचे हुए 4 वीडियोज़ भी थे अगर कोई मिस हुआ है तो उसको भी चेक कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।